नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे सहारा इंडिया के बारे में, जो काफ़ी समय से गरीब निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। सहारा इंडिया का प्रबंध सब्रता रॉय का निधन मुंबई के अस्पताल में हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल की माध्यम से निवेशकों को पैसा वापस करने की बात की थी और कहा था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद 45 दिनों में निवेशकों का पैसा वापस कर देंगे, पर पोर्टल में दस्तावेज मैच न होने के कारण विफल रहा। जब सुब्रत रॉय को कोर्ट ने सेबी सहारा केस में पैसे जमा करने के लिए और वक्त देने से मना कर दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा था, तय समय में पैसा जमा नहीं किया गया तो एमबी वैली प्रोजेक्ट नीलाम कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पहले ही काफी वक्त दिया जा चुका है, अब पैसे जमा करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। बता दें कि सुब्रत रॉय को सेबी सहारा खाते में 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपए जमा कराने थे। इस केस की अगली सुनवाई 29 जून को होगी, प्रोसेस चल रही है, थोड़ा और वक्त दें। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक सुब्रत रॉय ने कोर्ट से अपील की थी कि उनकी प्रॉपर्टी बेचने की प्रोसेस चल रही है, 6 महीने और दिए जाए। इस पर कोर्ट ने और वक्त देने से इनकार कर दिया। सहारा ने कोर्ट को अपनी 15 प्रॉपर्टीज की लिस्ट सौंपी थी। 28 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इनमें से 13 प्रॉपर्टीज बेचने की इजाजत दे दी थी। साथ ही सुब्रत रॉय की पैरोल 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। एमबी वैली जब्त करने का दिया था ऑर्डर। बता दें कि इससे पहले 6 फरवरी को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की पुणे के लोनावाला स्थित एमबी वैली को सीज करने का ऑर्डर दिया था। अनुमान है कि एमबी वैली की कीमत करीब 39,000 करोड़ रुपए है। क्या है सहारा समूह का विवाद? सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स से 17,400 करोड़ रुपए जुटाए थे। सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए, जिसके बाद सेबी ने अगस्त 2010 में दोनों कंपनियों की जाँच के आदेश दिए थे। कंपनियों में गड़बड़ी मिलने पर विवाद बढ़ता गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दोनों कंपनियों को निवेशकों के 36,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया। 10,600 एकड़ में फैली है एमबी वैली, ये देश की पहली प्लांड लग्जरी हिल सिटी है। यहाँ बने एक विला की कीमत 30 से 40 करोड़ रुपए है। ये लोनावाला से 23 किलोमीटर दूर है। इसमें 3 मैनमेड लेक है, कुल 11 वाटर बॉडीज है। इनके अलावा यहाँ गोल्फ कोर्स, स्पेनिश कॉटेज, इंटरनेशनल स्कूल, प्लेग्राउंड, फॉर्चून फाउंटेन है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स और स्काई डाइविंग जैसी फैसिलिटीज भी है। 2.5 साल में 11,000 करोड़ रुपए लौटाए। पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि 2.5 साल में सहारा इन्वेस्टर्स के 11,000 करोड़ रुपए लौटा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले रॉय को 1,000 करोड़ रुपए 2 महीने में सेबी को लौटाने को कहा था। बाद में कोर्ट ने ये रकम कम कर दी और कहा कि 6 फरवरी तक उन्हें 600 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। कोर्ट ने कहा था कि 6 फरवरी तक रकम जमा नहीं कराई तो रॉय को जेल जाना होगा। उनकी 87 प्रॉपर्टीज भी नीलाम की जाएंगी। सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि नोटबंदी के बाद मार्केट में मंदी है, ऐसे में 600 करोड़ रुपए जमा करवाने के लिए उन्हें थोड़ी मोहलत दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि 28 नवंबर को यह आदेश जारी करने के वक्त भी हालात लगभग यही थे। कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था, लेकिन आपने इसे 600 करोड़ करने की गुजारिश की थी। कब हुई जेल, कब मिली पैरोल? सुब्रत रॉय 4 मार्च 2014 को जेल गए थे। इसके बाद 6 मई 2016 को उनकी मां की मौत हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें पैरोल दी गई थी। रॉय की पैराल तभी से बढ़ती रही है।